हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कारण से अभी तक इंटर में एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो आपको ये अंतिम मौका दिया है बिहार बोर्ड। किसी भी हालत में आपको 3 दिनों के अंदर आपको एडमिशन ले लेना है। क्या प्रोसेस है, सभी डिटेल हम आपको बतलाने वाले हैं। कितना टाइम दिया गया है, क्या क्या इसमें आपको मेंशन किया गया है, सभी डिटेल यहाँ पे हम बतलाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है स्पॉट नामांकन से रिलेटेड। और ये 3 पॉइंट जो मैंने यहाँ पे थंबनेल में मेंशन किया है, तो इन सभी तीनों पॉइंट के रिगार्डिंग मैंने इस टॉपिक पे बात किया है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, उन सभी का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और तीनों पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, तो किसी भी टॉपिक को आप मिस मत कीजिएगा। तीनों पॉइंट को बढ़िया से देखिएगा। वीडियो में कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा ना हो, तो अभी से एक वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, क्या जारी किया गया है और क्या बताया गया है उसमें, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। तो देखिए, ये है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट मिलेंगे, 3 कारणों से हो सकता है वो एडमिशन नहीं लिए होंगे। पहला कारण इस खाना में मेंशन किया गया है, दूसरा इस खाना में, और तीसरा इस खाना में। तो तीनों खाने के बारे में बतला दे रहा हूँ कि क्या क्या दिया गया है। पहला खाना में वैसे कैंडिडेट के बारे में दिया गया है जिनका नाम जो है तृतीय चयन सूची में नहीं आया है, यानी किसी भी चयन सूची में नाम नहीं आया है, जिसके कारण वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं। दूसरा खाना में ये दिया गया है कि जो कैंडिडेट अभी तक ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं, तो उनका कैसे एडमिशन होगा, क्या करना होगा। और तीसरा है वैसे विद्यार्थी जिन्होंने OFSS के माध्यम से यहाँ पे जारी चयन सूची में चयनित होने के बावजूद भी नामांकन नहीं लिया है, यानी उनका लिस्ट में नाम आ गया है फिर भी वो एडमिशन नहीं ले पाए हैं, डेट मिस कर गए हैं, उनको क्या करना होगा। ठीक है, तो तीनों के लिए मैं बतला दूं, अब स्पॉट एडमिशन ही बचा हुआ है लास्ट चांस। तो तीनों कैंडिडेट, तीनों टाइप के कैंडिडेट के लिए अब स्पॉट एडमिशन ही कराना होगा, उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। तीनों का नियम अलग अलग है, नियम समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो आपको बतला दूं कि स्पॉट एडमिशन का जो प्रक्रिया है 8 जुलाई से 10 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 8 जुलाई से 10 जुलाई तक स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया चलेगा, ये मेंशन कर लीजिएगा। 8 से 10 जुलाई तक स्पॉट एडमिशन आपको कराना है। कैसे कराना है आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 जुलाई को, यानी आज 6 जुलाई है, कल 7 जुलाई है। ठीक है, तो कल 7 जुलाई को यहाँ पे जितने भी कॉलेज में सीट खाली है उसका लिस्ट जारी करेगा बिहार बोर्ड। ठीक है, 7 तारीख को लिस्ट जारी होगा कल से, और परसों से एडमिशन चालू होगा स्पॉट एडमिशन। तो यहाँ पे 7 जुलाई को लिस्ट जारी हो जाएगा कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, उसी के आधार पर आपको आवेदन करना होगा। आपको लिस्ट नहीं देखने आएगा तो आप साइबर कैफे से जाकर दिखवा लीजिएगा, जहाँ से आपने ऑनलाइन करवाया है, कि कितना सीट किस कॉलेज में खाली है, कहाँ पे हम आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, आप सीट देख लीजिएगा किस कॉलेज में आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए आपको आता है स्पॉट एडमिशन का फॉर्म, अगर आपने ऑनलाइन करवा लिया है तो। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवा लिया है तो आपको जाना होगा अपने सर्वर पे, यहाँ पे OFSS पोर्टल पे एक स्टूडेंट लॉगिन का सेक्शन होता है, यहाँ पे उस पर जाना होगा आपको, यहाँ से आप लॉगिन करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये खुल जाएगा एक मिनट में, तो वैसा कुछ आपको ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में आपको स्पॉट एडमिशन वाला फॉर्म डाउनलोड करना होगा। ठीक है, ये गौर कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पॉट एडमिशन का फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना होगा। नहीं करने आएगा तो आप साइबर कैफे से जाकर, जहाँ से आपने ऑनलाइन करवाया है वहाँ से निकलवा लीजिएगा, उसको लेकर आपको जाना होगा। और 8 से 10 जुलाई के बीच में आपको जहाँ पर भी मन हो, 2 से ज़्यादा कॉलेज में भी आप डाल सकते हैं, जितना कॉलेज में मन है आप डाल सकते हैं, जिस कॉलेज में सीट खाली हो वहाँ से आपको मेरिट निकलेगा। और मेरिट निकलेगा 11 जुलाई 2019 को, और उसके बाद में एडमिशन आपको कराना होगा 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, यहाँ पर एडमिशन करा लेना होगा किसी भी हालत में। तो आप समझ पाए होंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये तीनों टाइप के कैंडिडेट के लिए एक काम आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको शुरू से मैं बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बता दे रहा हूँ आपको कि 7 जुलाई को यहाँ पे जितने भी कॉलेज में सीट खाली है उसका नाम निकलेगा। उसके बाद में 8 से 10 जुलाई 2019 के बीच में आवेदन जमा करना होगा। जो आवेदन आपने यहाँ से डाउनलोड किया है, जो मैंने बताया है आपको, अगर आपने ऑनलाइन करवाया है तो आपको आवेदन जरूर वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, आप साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। आवेदन डाउनलोड करने के बाद में 8 से 10 जुलाई के बीच में आपको कॉलेज में जमा कर देना है। आप जितना मन हो उतने कॉलेज में जमा कर दीजिए, 2, 4, 5, 6 जितना भी कॉलेज में जब जमा कर दीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। कहें से और 2-4 कॉलेज में जमा कीजिएगा तो फायदा ये रहेगा कि किसी ना किसी आपको कॉलेज में मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, एडमिशन आसानी से हो जाएगा।
ठीक है, तो ये केयर कीजिएगा। और एक से ज्यादा कॉलेज में भी नाम आता है आपका तो कोई दिक्कत नहीं, एक कॉलेज में आपको एडमिशन करा लेना है किसी एक कॉलेज में। अब बात कर लेते हैं कि 11 जुलाई को मेरिट जारी करेगा। मेरिट लिस्ट कौन जारी करेगा? तो जिस कॉलेज में आपने आवेदन जमा किया है जाकर, और यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी करेगा जिस जिस कॉलेज में आपने आवेदन किया है। किसी भी कॉलेज में आपको मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको 12 से 15 जुलाई के बीच जाकर आपको एडमिशन करा लेना है। अब बात कर लेते हैं वैसे विद्यार्थी जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है UFSS के माध्यम से नामांकन हेतु आवेदन पत्र नहीं भरा है, यानी अगर आपने अभी तक ऑनलाइन नहीं किया है तो उनको क्या करना होगा। ऑनलाइन कराने के लिए आपको बता दूं कि 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं, यानी 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आप ऑनलाइन करा लीजिएगा। वैसे कैंडिडेट जो अभी तक ऑनलाइन नहीं कराए हैं, ऑनलाइन नहीं कराइएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगले साल आपको कराना पड़ेगा तो इस बार आपका चांस मिस हो जाएगा, ठीक है। तो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक आपको किसी भी हालत में एडमिशन करा लेना है, उसके बाद ही आपका स्पॉट एडमिशन हो जाएगा और बाकी का प्रक्रिया स्पॉट एडमिशन के जैसा ही रहेगा जो मैंने शुरू में समझाया है, ठीक है। तो 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2019 तक अगर आप ऑनलाइन करने का जानते हैं तो कर सकते हैं खुद से, नहीं तो आप साइबर कैफे से जाकर करवा सकते हैं। 7 जुलाई से लेकर 10 जुलाई 2019 तक टाइम है, ठीक है। ये दो टाइप के कैंडिडेट क्लियर हो गए। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप के कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट यहाँ पे नाम आ गया है लिस्ट में लेकिन अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं, ठीक है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट या थर्ड मेरिट लिस्ट, किसी भी लिस्ट में नाम आ गया है और अभी तक एडमिशन नहीं कराए हैं, किसी कारण से उनका एडमिशन छूट गया है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? तो आपको बतला दूं कि जो पिछला एडमिशन था आपका रद्द कर दिया गया है, UFSS पोर्टल पर जो नाम था वो भी रद्द कर दिया गया है, ठीक है, कैंसिल कर दिया गया है। तो आपको कराना पड़ेगा फिर से नामांकन। फिर से नामांकन कराने के लिए करना ये पड़ेगा कि आपको फिर से ऑनलाइन कराना पड़ेगा। फिर से ऑनलाइन कराने के लिए डेट वही है जो पिछला मैंने ये बताया है आपको, 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच आपको फिर से ऑनलाइन कराना होगा, उसके बाद में स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया जो है उससे गुजरना होगा, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट चांस दे रहा है आपको बिहार बोर्ड। अगर आप अभी तक ऑनलाइन नहीं कराए हैं तो 7 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में ऑनलाइन करा लेना है, और अगर आपने ऑनलाइन करा लिया है तो 8 तारीख से स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है। आप जिस भी कॉलेज में सीट खाली है आपको 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में जाकर उस कॉलेज में आवेदन जमा कर देना है। आप एक से ज़्यादा कॉलेज में भी आवेदन जमा कर सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आपका नाम आ जाए मेरिट लिस्ट में वहाँ पे जाकर आप एडमिशन करा लीजिएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं ऑनलाइन कराए हैं ऑनलाइन करा लीजिए, किसी भी हालत में आपको एडमिशन लेना है तो ले लीजिए इस बार, इसके बाद में कोई चांस नहीं होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।